आप चाहे तो इसे डायरेक्ट कच्चा भी आप उसको अचार बना सकते हैं, सारे जो मसाला है उसको डाल के। पर मुझे जो इसका कच्चापन का जो एक स्मेल आता है वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा इस तरह से थोड़ा देर 5-6 मिनट के लिए मैं उसको फ्राई करती हूँ। और अभी मैं उसको उतार दूँगी, उसके बाद जो बाकी जो मसाला है वो मैं बाद में डालूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं ऑफ करती हूँ। ये लोकल सिसम है जिसको मैंने कच्चा ही मैंने उसको ग्राइंड करके पीस लिया था, तो मैं इसको भी यहाँ मिला लूँगी। अभी इसको मैंने रात में बनाया है, तो मैं उसको अभी ऐसे रखूँगी और कल सुबह धूप में उसको 1 वीक तक धूप में अच्छा धूप दिखाऊँगी, ताकि वो और भी अच्छा से पक जाएगा अंदर में, और उसके बाद उसका टेस्ट जो अच्छा से निकल के आएगा।